वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है चाइनीज लोग इंडियन लोगों से अलग क्यों दिखते हैं, व्हाई चाइनीज पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और होमो सेपियंस वो इंसानी प्रजाति है जो इस पृथ्वी पर 3 लाख सालों पहले सबसे पहले देखी गई थी। ये जीव आज का मॉडर्न इंसान है और दुनिया भर में आप जो भी लोग देखते हो वो सभी इसी प्रजाति को बिलोंग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दुनिया में सभी लोग होमो सेपियंस है तो क्यों एक चाइनीज इंसान एक इंडियन इंसान से इतना अलग दिखता है। एक इंडियन और चाइनीज के बीच में डिफरेंसेस की वजह से आप उन्हें आसानी से पहचान लोगे यार, और वहीं पर एक अफ्रीकन और एक यूरोपियन आदमी को भी, एंड सेम फॉर चाइनीज एंड अफ्रीकन। सो ये सभी एक ही किस्म के लोग आखिर एक दूसरे से इतना अलग कैसे दिख सकते हैं, और क्या रीजन है कि इन्हें एक दूसरे से इतना अलग दिखना पड़ा? क्या राज है इंडियंस के टैंड स्किन का या फिर चाइनीज की छोटी आंखों का और यूरोपियंस के गोरे चमड़े और सुनहरे बालों का? ये सभी कुछ आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, और इस वीडियो के अंत तक आप इंसानी इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जान लोगे जो आपको नहीं पता। और फिर आप भी अपने फ्रेंड से इन्हीं सवालों का जवाब पूछना और उनका रिएक्शन देखना कि क्या वो जवाब दे पाते हैं कि नहीं। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंसानी प्रजाति यानी होमो सेपियन सबसे पहले अफ्रीका में देखे गए थे कुछ 3 लाख सालों पहले, जहां से माना जाता है जिंदगी की शुरुआत भी हुई थी वहां के गर्म और नेचुरली रिच पर्यावरण में। मतलब 3 लाख साल पहले इस दुनिया के सभी लोग लगभग कुछ ऐसे ही एक जैसे दिखते थे, चाहे वो आज का चाइनीज इंसान हो या फिर इंडियन, और सभी आपस में खुशी से रह भी रहे थे आइस एज में विदाउट रेसिज्म, यू नो। लेकिन आज से कुछ 1,30,000 सालों पहले आइस एज में ही कुछ ऐसा समय आया जिसे कहा जाता है इंटरग्लेशियल इंटरलूड, यानी आसान भाषा में आइस एज में गर्मी बढ़ने लगी। उससे हुआ ये कि अफ्रीका से बाहर जाने के बर्फ से जमे रास्ते पिघलने लगे और बड़ी तादादों में इंसानों का माइग्रेशन होने लगा, यानी वो दूसरे घर की तलाश में अफ्रीका छोड़कर निकलने लगे। और फिर वो धीरे धीरे लेवेंटीन रीजन्स जैसे आज के मॉडर्न इसराइल, सीरिया, जॉर्डन, टर्की वगैरह एटसेट्रा में स्प्रेड होने लगे, जहां से फिर कुछ इंसान आने वाले हजारों सालों में यूरोप की तरफ निकलेंगे और कुछ एशिया की तरफ। 40,000 सालों पहले तक होमो सेपियंस इंडिया और चाइना तक फैल चुके थे, और फिर यहां से सालों साल अपनी नई जमीनें और पर्यावरण में रहने के बाद इंसानों में 4 मेजर ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। जो लोग यूरोप चले गए थे माइग्रेशन के वक्त वो लोगों को आज कॉकेशियन कहलाया जाता है, और जो लोग अफ्रीका में ही रहे थे वो लोगों को नीग्रोइड रेस का कहा जाता है। उसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट एशिया चले गए वो मंगोलॉइड रेस के हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया जैसे सदर्न आइलैंड्स के ओरिजिनल लोग हैं वो ऑस्ट्रेलोसॉइड रेस के हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत जान लिया हमने इतिहास के बारे में, अब सवाल ये है कि ये सभी लोग आपस में इतने अलग क्यों दिखते हैं और इनमें विभिन्नता आई तो आई कहां से? सो वेल, इसका जवाब डार्विन भाई हमें बताएंगे अपनी थियरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए। बट हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इंडियंस कौन है रेशियली, क्योंकि हम यूरोपियंस जैसे तो नहीं दिखते और ना ही चाइनीज जैसे। सो हम कौन है? वेल, इंडियंस एक्चुअली में मिक्सचर है 3 रेसेस के, कॉकेशियन, ऑस्ट्रेलोसॉइड और मंगोलॉइड्स। नॉर्थ इंडिया से जो इंडियंस है उनके डीएनए में कॉकेशियन जीन्स ज्यादा है और ऑस्ट्रेलोसॉइड और मंगोलॉइड कम। साउथ इंडिया में जो इंडियंस है उनमें ऑस्ट्रेलोसॉइड जीन्स ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंडियंस है उनमें मंगोलॉइड जीन्स ज्यादा है, और इसी वजह से इंडिया में खुद ही लोगों में बहुत विभिन्नता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में मोस्टली सभी लोग मंगोलियन रेस के हैं और इसीलिए उनमें इस हद तक विभिन्नता नहीं है। लेकिन अब आते हैं इस प्रश्न पर कि चाइनीज चाइनीज जैसे क्यों दिखते हैं और यूरोपियन सफेद क्यों है और इंडियंस इंडियंस जैसे क्यों दिखते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, चलिए एक और बार अतीत में, लेकिन इस बार हम चलते हैं मंगोलिया के बर्फीले रेगिस्तान में जहाँ पर मंगोलॉइड रेस का एक्चुअल जन्म हुआ था। जब अफ्रीका से लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तानों में आए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए वहाँ की परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ा,
एवोल्यूशन के सिद्धांतों के तहत उनका वहाँ नेचुरल सिलेक्शन होने लगा और जो विशेषताएं उस एनवायरमेंट में उन्हें सर्वाइव करा सके उन विशेषताओं का आगे बढ़ पाना संभव हो सका। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज लोगों की आंखें छोटी होती है तो उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि वही आंखें उन्हें सैकड़ों सालों पहले जब साइबेरिया के बर्फीले तूफान आते थे तो वही छोटी आंखें उन्हें उससे बचाती थी। इसके अलावा क्योंकि बर्फ 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है तो आंखों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचा पाने का काम छोटी आंखें ही सबसे बेहतर करेगी। एक्सट्रीम ठंड में शरीर से ज्यादा हीट ना लूज हो इसीलिए मंगोलॉइड फेशियल फीचर्स ज्यादा फ्लैट होने लगे और उनमें फेस फैट की भी मात्रा दूसरे रेसेस के मुकाबले ज्यादा होने लगी। चपटे फेशियल फीचर्स बर्फीले मीट को क्रंच कर पाने में भी बहुत मदद करते थे और चाइनीज लोगों की आईज में एक्स्ट्रा फैट ठंड से पैडिंग देने के लिए होता है और इसीलिए वहाँ मोस्ट ऑफ लोगों के पास सिंगल आईलिड्स यानी मोनोलिड्स होते हैं। यही मोनोलिड्स एक्सट्रीम ठंड की वजह से कुछ नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में भी है और एस्किमोस में भी पाए जाते हैं। अब वही फ्रेंड्स दूसरी तरफ इंडियन जेनेटिकली मोस्टली कॉकेशियन है यानी हमारे फेशियल फीचर्स यूरोपियन से ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज या फिर अफ्रीकन्स। पर अब सवाल है कि यूरोपियंस अनलाइक इंडियंस इतने सफेद कैसे हो पाए, तो इसका जवाब भी है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन थियरी डिटेल में कैसे काम करती है अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबा देना और वो वीडियो आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जैसे ही अफ्रीका से होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे और वहां पर सेटल होने लगे उसके कुछ सालों बाद एक भयंकर हड्डियों की बीमारी वहां के लोगों को अपने चपेट में लेने लगी। इस बीमारी का नाम था रिकेट्स की वजह से बहुत से बच्चे डिफॉर्म्ड हो जाते या फिर कम ही उम्र में वो मर जाते और ये बीमारी इतनी भारी संख्या में होने लगी क्योंकि वहां के लोगों को कहीं से भी विटामिन डी नहीं मिल रहा था जो न्यूट्रिशन हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अफ्रीका में तेज सूरज होने की वजह से वहां उन्हें भरपूर विटामिन डी मिलता था सनलाइट से, बट अब यूरोप में जहां सूरज ना के बराबर आता है वहां कैसे मिल पाए। सो एक जेनेटिक म्यूटेशन कुछ लोगों में आने लगा कि उनके चमड़े में से मेलानिन वो केमिकल जो हमारे चमड़े को रंग देता है वो तेजी से कम होने लगा और अब एक इंसान जिसके स्किन में मेलानिन कम हो वो नेचुरली ऐसे एनवायरमेंट में बेहतर सर्वाइव कर पाएगा जहां धूप ज्यादा नहीं होती और इसीलिए ये विशेषता बहुत जल्द फैलने लगी वहां के लोगों में और कुछ ही सदियों में वहां लोगों का रंग सफेद हो गया। ये वही म्यूटेशन की वजह से था जो यूरोपियंस में बहुत सालों पहले आई थी और इसी तरह अफ्रीका में तेज सूरज की रोशनी से बचने की वजह से नेचुरली वहां के लोगों की चमड़ी में मेलानिन बीच में ज्यादा होना जरूरी है। मेलानिन 99% सूरज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें स्किन कैंसर होने के खतरे से बचाता है। अगर एक यूरोपियन को अफ्रीका भेजा जाए और तेज धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उनका स्किन बहुत जल्द बर्न हो जाएगा जिससे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यही प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस जो वैसे तो मोस्टली यूरोपियंस है लेकिन वो एकदम से माइग्रेट हो गए एक ऐसी जगह में जहाँ सूरज की रोशनी बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में आज स्किन कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा है। इंडिया में भी हमारा स्किन कलर ब्राउन है बिल्कुल इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर सनलाइट स्ट्रांग है और मेलानिन हमें इससे बचाता है और यही मेलानिन हमें ब्राउन कलर भी देता है। पर फ्रेंड्स हमें ये फैक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी इंसानी प्रजाति अब तक हर किस्म के हार्श एनवायरमेंट में सर्वाइव करते आई है और आज आप जैसे भी दिखते हो आपको उससे प्राउड होना चाहिए क्योंकि उन्हीं फीचर्स के वजह से ही आप पास्ट में सर्वाइव कर पाए थे और आज जिंदा हो और इस लाइफ को अनुभव कर पा रहे हो। सो ऐसा कभी मत सोचना कि काश मैं गोरा होता या काला होता या कुछ और। अपने आप को ओन करो आप जैसे भी हो प्राउड होकर और फोकस करो उन चीजों पर जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाए। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वीडियो था, मजा आ गया देखने में और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक ही जगह से थे फिर डिस्पर्स हुए अलग अलग जगहों पे और फिर कैसे टाइम के साथ साथ क्योंकि वहां की क्लाइमेट सब इतना डिफरेंट था कैसे उनमें चेंजेस आए ताकि वहां पे वो रह सके तो उस वजह से वो हुआ है। और जैसे बता रहे थे ना कि जो उनके जो यहाँ पे होते हैं यूरोपियंस और ये सब वो गोरे क्यों होते हैं और बिल्कुल सच है। या यूएस में भी आपको दिखेगा कि जो अमेरिकन्स हैं उनको स्किन की डिजीजेस बहुत जल्दी होती है, बहुत होती हैं, एक स्किन की डिजीजेस और एक स्किन कैंसर, उसकी वजह से ये लोग अपना बहुत ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा भी सन में जाना हो तो पहले सनस्क्रीन लगाएंगे, बार बार लगाएंगे और थोड़ी देर बाहर ज्यादा रह गए तो उनकी पूरी लाल हो जाएगी या उसमें से जैसे कहते हैं ना स्किन निकलने लग जाएगी उस टाइप से, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं और स्किन कैंसर तो बहुत
मेजर प्रॉब्लम है जिसे इन्होंने बताया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई जो पता थी, कई ऐसी भी बताई जो नहीं पता थी, न्यू इन्फॉर्मेशन थी। और चाइनीज क्यों उस टाइप से है, उनकी आंखें क्यों छोटी हैं, वो समथिंग इंटरेस्टिंग था जो मुझे नहीं पता था कि लाइट से बचने के लिए, क्योंकि स्नो होती है तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और क्योंकि वो जब चलते थे तो स्नो स्टॉर्म्स थे तो उससे वो स्नो आइस जो छोटी होंगी तो वो बची रहेंगी, अंदर नहीं घुसेगा, तो चलने के टाइम सब में प्रॉब्लम नहीं होगी। अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी, क्या कमाल है। मैं तो कह रही हूँ हम ह्यूमंस कितने एडवांस्ड हैं, कमाल है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था और काफी अच्छी बात है इन्होंने ये सब बातें की हैं। मोस्टली जिन्होंने मतलब इन चीजों पे एक्सप्लोर किया उनको आंसर्स ये पता ही होंगे, क्योंकि काफी लोग इस बारे में एक्सप्लोर कर रहे थे कि इंडिया में किस टाइप के लोग हैं, शक्लें जो हैं यूरोपियन से क्यों मिलती हैं, और वर्सेस की चाइनीज की अलग क्यों हैं, अफ्रीकन के अलग क्यों हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से काफी समय से जो बच्चे होते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, और साइंस ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया है। मगर ये भी होता है कि लोग जो है उस चीज को ढंग से सीखे नहीं है, जैसे जो डार्विन कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको लोग समझे नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में लोग, यहां पर भी कुछ लोग थे जो गलत इंटरप्रेट कर रहे थे कि मान लीजिए कोई डिजीज आती है तो जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव कर जाएंगे, दूसरे मर जाएंगे। उनको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, ये नहीं था। कहा ये गया था कि जो आपके ट्रेट्स हैं जो आपको सर्वाइव कराने में हेल्प करते हैं वो रह जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। द फैक्ट कि आप अभी जिंदा हैं इसका मतलब यही है कि आप फिटेस्ट हैं, राइट? अगर आप अभी जिंदा हैं इस जमाने में, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी और आपके ट्रेट्स इवॉल्व हो चुके, होते रहे और आज तक आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। और अगर, और ये सदियां सदियां लगती हैं इन ट्रेट्स को आने में। एग्जाम्पल कई लोगों ने दिया था, मान लीजिए अगर धीरे धीरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा तो धरती पूरी पानी पानी हो जाएगा, तब धीरे धीरे जैसे ये हो रहा होगा तो बॉडी ह्यूमन बींग्स की इवॉल्व करने लग जाएगी, फिश की तरह बन जाएंगे। ये जैसे एग्जाम्पल दिखाया था एक मूवी में भी, वाटर वर्ल्ड में, कि जैसे से बॉडी इतने सालों में इवॉल्व हो रही है, बॉडी अब मेल्टिंग हो रही है, बढ़ रहा है, तो लोगों को स्विमिंग में बेटर हो जाएंगे लोगों की, अब हर बच्चे को पानी पानी ज्यादा नजर आ रहा है। फिर कुछ बॉडी इतनी इवॉल्व होगी कि गिल्स आपके डेवलप होने लग जाएंगे, कान के पीछे गिल्स हो जाएंगे, जिससे ये है कि आप पानी के अंदर ब्रीद कर सके। तो वो दिखा रहे थे एवोल्यूशन की थ्योरी कि अगर ये एनवायरमेंट ऐसा हो रहा है तो अल्टीमेटली वो होगा जिन लोगों में गिल्स आ गए हैं वो रेस आगे निकल जाएगी, जिनमें गिल्स नहीं आए वो मर जाएंगे। फिर उस समय देखेंगे तो बोलेंगे क्या तुम इवॉल्व हुए हो, हाँ, जिसके जो जो उस वक्त जो बच्चा होगा वो होगा जिसमें सब में गिल्स है, राइट? उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बोल सकते अच्छा तू इवॉल्व नहीं हुआ, जो वहां है जिंदा वो वही है जिसमें गिल्स हैं। अगर गिल्स नहीं होते तो बहुत पहले वो मर चुका था। तो वही बता रहे हैं कि अगर अभी जो भी यहां पे है सोसाइटी में वो सब के सब जो है उनके ट्रेट इवॉल्व हो चुके तभी वो जिंदा हैं। आपको ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे यहां पे जब थैंक्स गिविंग हुआ था तो था कि बहुत कम माल था, तो लोग बोल रहे थे जो हट्टे कट्टे हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो सामान ले आएंगे, तो उसमें अप्लाई नहीं होता। ये ट्रेट्स के बारे में अप्लाई हो रहा है कि आप अगर आज जिंदा हैं तो आपकी जो जेनेटिक्स है उसने इवॉल्व किया था कि आज यहां तक आप हैं। तो मगर काफी अच्छा था, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने, और बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन भी ये होता है, मतलब गलत तरीके से कि जी देखिए इंडिया के लोग ब्राउन इसलिए हैं क्योंकि सन बहुत पड़ता है तो उनकी स्किन टैन हो गई है, और यूरोप के लोगों की स्किन फेयर है क्योंकि वहां स्किन मतलब लाइट कम पड़ती है तो उनकी टैन कम हुई है। वो रीजन नहीं है, ये मिथ है कि हुआ ये था कि आपके बॉडी पिगमेंट जहां ज्यादा हीट आ रही है वहां पे आपको बॉडी में पिगमेंट चाहिए जिसकी आपकी स्किन स्ट्रांग रहे, जैसे वो कह रहे हैं सारे एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट? अगर आपकी स्किन में पिगमेंट है, कोई भी कलर का पिगमेंट है, ब्लैक ब्राउन जो भी पिगमेंट है, तो वो आपको सनलाइट से बचाता है, तो क्योंकि सनलाइट से बचाता है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। मगर जहां पे सनलाइट कम है अगर वो पिगमेंट वहां पे होता है तो उनको विटामिन डी नहीं मिलती तो उनका पिगमेंट चला गया, अब तो इसलिए वो वैसे। अगर वो बंदा जिसकी बहुत स्किन में पिगमेंट नहीं है वो
हीट वाले एरिया में आएगा तो उससे प्रॉब्लम आएगी, उसके जैसे बता रहे थे बिल्कुल। तो हमारा रीजन ये नहीं है कि हमें टैनिंग हुई है, हमें ये था कि हम उस एरिया में थे जहां बहुत सनलाइट आती थी और हमारी स्किन इवॉल्व हो गई कि उस सनलाइट को झेलने के लिए। इसीलिए जब हम यूएस में आते तो हमें कभी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हम लगा लेते हैं मगर हम लगा लेते हैं क्योंकि डॉक्टर कहता है लगा लो यार तुम्हारा क्या जाता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।